नगर निगम के कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल में सफाई कर्मचारियों समेत अलग अलग विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से एक बार फिर पूर्वी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चौपट हो सकती है। हड़ताल में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के दर्जनों सफाई यूनियन शामिल हैं। अलग अलग यूनियन के नेताओं ने संयुक्त मोर्चा बनाकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन नेताओं ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई यूनियन के नेताओं का कहना है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को 3 से 6 महीने तक का वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें वर्षों से एरियर और दूसरा भत्ता नहीं मिल रहा और न ही उन्हें मेडिकल और कैशलेस कार्ड की सुविधा दी गई। उन्हें वर्दी तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। सब हमारे साथ अभी सभी यूनियनें और सभी कर्मचारी हमारे साथ है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो हेल्थ हो, और चाहे वो नाला बेलदार हो, और चाहे वो डैम्स कर्मचारी हो, और चाहे वो नर्स हो, सभी लोग हमारे साथ हैं। और हम सभी यूनियनें मिलकर, हमारे साथ आरबी उटवाल जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, और इनका समर्थन भी और इनको हमारा समर्थन है, हमको इनका समर्थन है, सब लोग मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसमें हमारी विजय होगी। और ये हमारी केवल अब एक वेतन की मांग नहीं रह गई है, हमारी कर्मचारी जो 98 से पक्के नहीं किए जा रहे हैं वो भी मांग है, जो 2003 से पक्के करने के बाद, 2004 से पक्का मानने के बाद उनके एरियल को कहते हैं हम करंट में देंगे, वो भी हमारी लड़ाई है और वर्दी की लड़ाई है। देखिए, सभी जितने भी हैं हमारे डैम्स में और एजुकेशन में, इंजीनियर विभाग में जितने भी हैं, सभी दुखी हैं। मतलब 4-4, 5-5 महीने सैलरी से हो गए हैं, चाहे वो टीचर है, नर्स है, या पैरामेडिकल स्टाफ है हमारा, और इंजीनियर विभाग है, ये सब हमारे साथ हैं। और जितने भी संगठन चल रहे हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, इन्होंने फूटपरस्ती करी है हमारे साथ, ईडीएमसी वालों ने, क्या कि चुनाव कराने के बाद अब ये कहते हैं जो हारे हुए संगठन है वो नहीं दे सकते नोटिस, लेकिन अब उल्टा हमें भी आता है, कानून हमें भी आता है, अब वो हमें जीते हुए संगठन को दे रहे हैं समर्थन, और हम भारी पैमाने पर इस हड़ताल को कामयाब करेंगे और अपनी बात को मनवाएंगे। बता दें कि नगर निगम के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना महामारी में काम करते रहे, लेकिन उन्हें अब वेतन भी समय से नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी।